गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम लोग डी एंड ए ब्लॉक के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये है कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। इस पोर्शन से रिलेटेड आज जो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उससे रिलेटेड आप बोर्ड में कंफर्म मानो ये क्वेश्चन रह गए और ये पोर्शन क्लास 11th के कंसेप्ट पर बेस्ड है। क्लास 11th में एक चैप्टर आप पढ़े होंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन पर ही बेस्ड है। वहाँ पर जो बैलेंसिंग का कंसेप्ट दिया गया था वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या पार्ट आपको याद रखना होगा। याद रखना है यहाँ पर इस चैप्टर में दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ना है हम लोगों को, एक पोटासियम डाइक्रोमेट और दूसरा पोटासियम परमैंगनेट, इन दोनों के बारे में। तो याद रखना यह है कि पोटासियम डाइक्रोमेट यानी कि Cr2O7-2- ये खुद रिड्यूस करता है Cr3+ में और ये जनरली जो रिएक्शन करता है वो एसिडिक मीडियम में होता है। वहीं पोटासियम परमैंगनेट यानी MnO4- एसिडिक मीडियम में खुद रिड्यूस करता है Mn2+ में, ये Mn2+ आयन में, और ये अल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम में, इन दोनों में अल्कलाइन या इसी को आप न्यूट्रल भी कह सकते हो, न्यूट्रल मीडियम में ये कन्वर्ट करता है MnO2 में। जनरली क्वेश्चन में मार्क किया हुआ होना चाहिए कि कौन से मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में है या अल्कलाइन मीडियम में है, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चल रहा है आपको तो आप उसे एसिडिक मान करके बनाओगे। क्या नहीं पता चल रहा है, जैसे अगर कहीं रिएक्शन में H+ दिया हुआ है तो कन्फर्म है कि एसिडिक है, अगर कहीं रिएक्शन में OH- दिया हुआ है तो कन्फर्म है कि वो अल्कलाइन है, लेकिन अगर ना तो H+ है ना OH- है तो उस कंडीशन में आप उसे एसिडिक मान करके बनाओगे, यानी जो प्रोसेस जो बताया गया है तरीका उसको आप फॉलो करोगे। वैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन का वीडियो देखोगे उसमें पूरा डिटेल से भी बताया गया है कौन कौन सा मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, उसी पार्ट पर बेस्ड यहाँ है, 3-4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ भी डिस्कस करेंगे। तो पहले ये याद रखना है कि कौन किस में रिड्यूस करता है तभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेंगे, और अब इनके ऑक्सीडेशन से कौन कौन सा पार्ट किस में ऑक्सीडाइज करता है। फेरस आयन यानी कि Fe2+ आयन ऑक्सीडाइज कर जाता है Fe3+ में, और स्टैनस आयन यानी Sn2+ ये ऑक्सीडाइज करता है Sn4+ में, सल्फाइड आयन S2- ये सल्फर में कन्वर्ट करता है, आयोडाइड आयन ये आयोडीन में कन्वर्ट करता है, ऑक्सलेट आयन C2O4-2- ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, सल्फ्यूरस आयन SO3-2- ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट करता है SO4-2- में, और थायोसल्फेट S2O3-2- ये भी सल्फेट आयन में कन्वर्ट करता है SO4-2-। ये सारा का सारा रिएक्शन एसिडिक मीडियम का दिया गया है, अल्कलाइन मीडियम में सिर्फ पोटासियम परमैंगनेट का रिएक्शन आता है, और उसे याद रखोगे ये अल्कलाइन मीडियम में कि कौन किस में कन्वर्ट करता है, तो इसमें आयोडाइड आयन ये कन्वर्ट करता है आयोडेट आयन में IO3- में, थायोसल्फेट S2O3-2- ये कन्वर्ट करता है सल्फेट आयन में SO4-2- में, और एक है Mn2+ ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा MnO2 में, यानी कि ये सारे केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करेंगे और ये रिड्यूस्ड करेगा क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कुछ इस तरीके से, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा Cr2O7-2- है, Fe2+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो बाकी का पूरा पार्ट आपको कंप्लीट करना है। सिंपल तरीके से बता रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे, जरूरत पड़े तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिए। Cr2O7-2- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि इनका रिडक्शन होगा और ये ऑक्सीडाइज करेगा, तो ऑक्सीडाइज करेगा तो पहले इसका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, ये Fe2+। अभी आपको बताया कि ये याद रखिएगा कि कौन किस में कन्वर्ट कर रहा है, Fe2+ कन्वर्ट करेगा Fe3+ में। रूल क्या बताता है बैलेंस करने का, बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन
बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहां पर संयोग से सिर्फ एफ ई है और एफ ई का नंबर ऑटोमेटिकली बैलेंस है, यहां भी वन है यहां भी बैलेंस, ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन, तो उसको बैलेंस करने का जरूरत नहीं। अब लास्ट में चार्ज, और चार्ज को बैलेंस करने का आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर में निगेटिव चार्ज आता है, जितना चार्ज का डिफरेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड में और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में। जैसे इस क्वेश्चन में Fe2+ कन्वर्ट किया Fe3+ में, Fe2+ है और यहाँ Fe3+ है, कितने का डिफरेंस है 1 का, तो इस जगह पर आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, दोनों बराबर हो गया। एक बार चार्ज काउंट भी कर लेंगे, देखो 3+ और -1, इधर भी 2+ और इधर भी 2+, ये बैलेंस हो गया, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे वाले पार्ट में हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। रिडक्शन हाफ रिएक्शन इसमें Cr2O7 है, ये कन्वर्ट करेगा Cr3+ में, सारे एटम को बैलेंस करते हैं, क्रोमियम 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन 7, तो ये याद रखिएगा आप जिस तरफ में ऑक्सीजन का जितना डिफिशियंसी है उतना H2O ऐड करते हैं, हाइड्रोजन का जितना डिफिशियंसी है उतना H+ ऐड करते हैं, यानी ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं जिधर डिफिशियंसी है, और जिस साइड में हाइड्रोजन एटम का जितना डिफिशियंसी होगा उतना H+ आयन ऐड करेंगे। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन 7 है और इधर एक भी नहीं है, तो यहाँ डाल दिया हम लोग 7H2O। अब हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ 14 है और यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इस जगह पर ये आ जाएगा 14H+, सारे एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गए। अब लास्ट में चार्ज को बैलेंस करेंगे, काउंट कीजिए केयरफुली, 2- एंड 14+, चूंकि 14H+ है तो 14+ और 2- इस तरफ में आ गया 12+, और प्रोडक्ट साइड में काउंट करो 2, 3+6 यानी कि 6+, तो कितने का डिफरेंस है 12+ और 6+ के बीच में 6 का, तो जितने का डिफरेंस होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया, रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को हमें ऐड कर देना है, और ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, हमारा प्राइमरी मोटो रहेगा इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने का। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल करते हैं, इक्वेशन सेकंड है, देखो तो यहाँ 6 है और यहाँ 1 है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब आप दोनों को लिख दीजिए, लिखते वक्त में मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चन में जो कंपाउंड जो स्पेसिफिक पहले दिया हुआ है बैलेंस करने के बाद में भी उसको उसी सीक्वेंस में रखोगे, जैसे इस क्वेश्चन में पहले Cr2 है उसके बाद में फिर Fe है, तो पहले Cr2O7 2- लिखेंगे फिर Fe लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये फाइनल क्या आ गया, Cr2O7 2- प्लस इस पूरे इक्वेशन को 2, 6 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो यहाँ ये वैल्यू आ गया 6 Fe2+ प्लस 14H+, इट गिव ये 14H+, बाकी अब इस साइड में क्या बचा रह गया, 2Cr3+ प्लस 6Fe3+, 6 कैसे आ गया, यहाँ Fe3+ और इसको 6 से मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस 7H2O। यानी आप देखो क्वेश्चन में कितना है ये दिया हुआ है कंप्लीट करने के लिए, तो आपको आंसर में ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये स्टेप मैटर नहीं करता, ये आप रफ में भी कीजिए लेकिन आपको मार्क्स मिलेगा ये तक, लेकिन ये इतना याद नहीं होने वाला है आपसे, इसके लिए आपको ये जो तरीका बताया गया ये तरीका को आपको फॉलो करना होगा। एक और क्वेश्चन बताते हैं, यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है Cr2O7 2- और यहाँ सल्फ्यूरस आयन है SO3 2- है, तो इसे भी हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, SO3 2- अभी लिस्ट में लिखवाए थे, ये ऑक्सीडाइड कर जाता है SO4 2- में सल्फेट आयन में, सारे एटम को बैलेंस करो, सल्फर 1 सल्फर 1 ऑक्सीजन 3 और यहाँ 4,
यानी कि वन ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है, तो प्लस एच टू ओ। हाइड्रोजन यहाँ टू, इस जगह पर आ जाएगा टू एच प्लस। अब चार्ज यहाँ टू माइनस, इस जगह पर टू माइनस और टू प्लस यानी जीरो, तो डिफरेंस कितने का, टू इलेक्ट्रॉन का। ये आ गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसके बाद रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ये बिल्कुल वही आएगा जो अभी हम लोग किए हैं। सी आर टू सेवन टू माइनस, ये कन्वर्ट करेगा सी आर थ्री प्लस में, पहले सारे एटम को, तो क्रोमियम टू, तो यहाँ टू, ऑक्सीजन इधर सेवन है, इस साइड में ऑक्सीजन का डिफिशियंसी, तो सेवन एच टू ओ। हाइड्रोजन यहाँ फोर्टीन, तो इस जगह पर आ जाएगा फोर्टीन एच प्लस। चार्ज इधर ट्वेल्व प्लस और इधर सिक्स प्लस, इसका मतलब यहाँ पर ऐड होगा सिक्स इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, तो नीचे में सिक्स इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में टू इलेक्ट्रॉन है, तो इक्वेशन फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वेशन थ्री से, तो यहाँ थ्री टू या सिक्स और ये सिक्स, दोनों कैंसिल हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ और भी कैंसिल हो रहा है, क्या यहाँ सिक्स एच प्लस हो गया और यहाँ फोर्टीन एच प्लस है, वो प्रोडक्ट साइड में है, ये रिएक्टेंट साइड में, तो इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये सिक्स एच प्लस और ये फोर्टीन एच प्लस, तो अब बचा हुआ रह गया यहाँ पर एट एच प्लस। उसी तरह से यहाँ देखो ये थ्री एच टू ओ और यहाँ सेवन एच टू ओ, तो ये एच टू ओ यहाँ कैंसिल हुआ और इसको माइनस कर दिया, थ्री है, क्यों थ्री हो गया, क्योंकि तो आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया है, तो बचा हुआ क्या रह गया, फोर एच टू ओ। अब सारे पार्ट को ऐड कर दो, फाइनल ये इक्वेशन बैलेंस होकर आ गया सी आर टू ओ सेवन टू माइनस प्लस, इसको थ्री से मल्टीप्लाई किए हैं तो थ्री एस ओ थ्री टू माइनस प्लस एट एच प्लस, इट गिव टू सी आर थ्री प्लस, इसे थ्री से मल्टीप्लाई किया गया है, थ्री एस ओ फोर टू माइनस, और इसे यहाँ बचा हुआ रह गया है फोर एच टू। तो ये सेकेंड इक्वेशन बैलेंस किए हम लोग, एक और एसिडिक मीडियम का, फिर अल्कलाइन मीडियम का बताएंगे। इस बार में MnO4- है और ये ऑक्सीडाइड करेगा Sn2+ को, तो Sn2+ कन्वर्ट करेगा Sn4+, इसे भी बैलेंस करते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में Sn2+ ये कन्वर्ट करेगा Sn4+ में, देखो यहाँ 2 प्लस है 4 प्लस, सारा एटम तो बैलेंस है, तो चार्ज में कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन फर्स्ट बैलेंस हो गया। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन पर मैंगनेट आयन यानी MnO4- आयन, ये खुद रिड्यूस्ड कर जाएगा Mn2+ में, बैलेंस करो, मैंगनीज 1 मैंगनीज 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ 4, इस जगह पर 4H2O, हाइड्रोजन यहाँ 8, इस जगह पर आ जाएगा 8H+, चार्ज देखो 8 प्लस और माइनस 1, 7 प्लस और यहाँ 2 प्लस, कितने का डिफरेंस है, 5 का, तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। ये आपका इक्वेशन सेकंड बैलेंस हो गया। अब इन दोनों पार्ट को ऐड कर दीजिए, ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, अब इस बार में दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। फर्स्ट इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेगा तभी कैंसिल होगा, तब इसके लिए इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 5 से और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो देखो 5 टू जा 10 और ये 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो गया। अब बाकी का केयरफुली जो मल्टीप्लाई किए हैं वो ध्यान में रखना होगा। अब ये आ गया फाइनली 2 MnO4- प्लस, इसे 5 से मल्टीप्लाई किए हैं 5 Sn2+, इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 8 की जगह पर 16H+, इट गिव यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं 2 Mn2+ प्लस 5 Sn4+ प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है 8H2। ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। तो हमें लगता है कि अब ये तीनों वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे, तीनों क्वेश्चन को, तो अब आप बाकी अप्लाई कर सकते हैं। परमैंगनेट आयन का भी हम लोग कर लिए और डाइक्रोमेट आयन का भी।
अब एक हम लोग अल्कलाइन मीडियम में करते हैं, अल्कलाइन मीडियम में बस एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। यहाँ ये क्वेश्चन में देखो, अल्कलाइन मीडियम ऑलरेडी इंडिकेट किया हुआ है, आई माइनस है, परमैंगनेट आयन है। तो अभी आपको स्टार्टिंग में बताए थे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में आयोडाइड आयन ये ऑक्सीडाइड कर जाता है आयोडेट आयन में, आईओ थ्री माइनस में। बैलेंस करते हैं इसको, आयोडीन वन आयोडीन वन, यहाँ ऑक्सीजन थ्री है तो इस साइड में आ जाएगा थ्री एच टू, हाइड्रोजन सिक्स है तो यहाँ हो गया सिक्स एच प्लस। अब इसी जगह से डिफरेंस है अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में कहता है जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस दोनों साइड में, और H प्लस और OH माइनस आयन कंबाइन कर H2O का फॉर्मेशन करते हैं। ये दो पॉइंट एडिशनल है जिसको ध्यान में रखना होगा। तो देखो यहाँ पर 3H2O 6H प्लस है तो इतना ही OH माइनस दोनों साइड में, यहाँ भी 6OH माइनस और इस जगह पर भी 6OH माइनस। ये 6H प्लस और 6OH माइनस कन्वर्ट कर गया 6H2O। अब इस 3H2O को अपोजिट साइड में ले जाओ, ये 6H2O है तो बचा हुआ कितना रह जाएगा 3H2O। अब चार्ज माइनस वन और माइनस सिक्स, यानी कि यहाँ माइनस सेवन और इस जगह पर है माइनस वन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का कमी है 6 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि कैंसिल किए हैं। तो एक बार में आप इसको फिर से लिख लो, आई माइनस प्लस सिक्स ओ एच माइनस इट गिव आई ओ थ्री माइनस प्लस थ्री एच टू ओ प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन। ये इक्वेशन फर्स्ट हो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब दूसरी बार में रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर मैंगनेट आयन है, पर मैंगनेट आयन एम एन ओ फोर माइनस। अभी बताए थे हम आपको स्टार्टिंग में कि ये खुद रिड्यूस करता है अल्कलाइन मीडियम में MnO2 में, और अगर एसिडिक मीडियम रहता तो ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस करता है Mn2 प्लस में। अब बैलेंस करते हैं इसको, मैंगनीज वन मैंगनीज वन बैलेंस है, ऑक्सीजन फोर और यहाँ टू है तो इस जगह पर आ जाएगा 2H2O। अब यहाँ टू टू जा फोर तो इस जगह पर 4H प्लस। अब चूंकि अल्कलाइन मीडियम है तो उतना ही OH माइनस दोनों साइड में, 4OH माइनस 4OH माइनस, ये बन गया 4H2O और यहाँ 2H2O, इसको यहाँ से माइनस कर दो, बचा हुआ रह गया कितना 2H2O। अब चार्ज को देखो, यहाँ माइनस वन और यहाँ माइनस फोर, कितने का डिफरेंस है 3 का, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, फाइनली आ गया ये MnO4- माइनस प्लस 2H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इट गिव MnO2 प्लस 4OH- माइनस। ये इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, लेकिन कंसेप्ट वही है, दोनों कैंसिल होना चाहिए। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, अब ये वाला पार्ट नहीं देखोगे, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, और अगर दिक्कत होता है तो इसको फिर से एक बार लिख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में तो पढ़ नहीं रहे हैं, आपको तो फाइनल आंसर तक पहुँचना है, तो इसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि ये 3 2 6 हो जाए। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, लेकिन OH और H2O भी है, वो भी कैंसिल होगा। देखो यहाँ 8OH माइनस और यहाँ 6OH माइनस, ये 6OH माइनस यहाँ माइनस कर देंगे तो बचा हुआ रह गया 2OH माइनस। H2O देखो यहाँ 4 है और जगह पर 3 है, तो ये H2O कैंसिल हो गया और बचेगा कितना H2O। आप इसको 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ऐड करते वक्त में ध्यान रखिएगा। अब फाइनल देखो कितना आ गया, यहाँ आ गया 2MnO4 माइनस। 2 कहाँ से, क्योंकि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। ऊपर में कितना बचा हुआ है, I माइनस प्लस H2O, बाकी का इधर ये पार्ट कैंसिल हो गया, इधर ये कैंसिल हो गया, इट गिव, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ऑलरेडी आप मल्टीप्लाई करके ही कैंसिल किए हैं। फिर इधर बचा हुआ है 2MnO2 प्लस, यहाँ कौन सा पार्ट आया है, आयोडेट आयन IO3-
और इस जगह पर 2OH माइनस आयन। ये आपका अल्कलाइन मीडियम में ये इक्वेशन बैलेंस हुआ, ये यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसको एक बार रोक करके, पाउज करके अच्छे से देखिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बाकी प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारा है, ये इतना सारा पार्ट जो दिए हैं इसमें से किसी को किसी के साथ भी कंपेयर करके आप कर सकते हो, इतना सारा है। तो पर मैग्नेट आयन का कभी इनके साथ, कभी इनके साथ, कभी इनके साथ आप करके बना सकते हैं उतना, लेकिन सब के पीछे में जो कंसेप्ट अभी बताए हैं वही सारा कंसेप्ट है। तो यहीं तक, बाकी जो की जरूरत पड़ेगा तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।